जो सकत कैसे हैं आप लोग। तो आज हम फिर से खेलने जा रहे हैं GTA 5। तो पिछले एपिसोड में हुआ था कि जो फिलहाल के जो लिबर्टी सिटी का फ्रेंड है उसने हमारे पास कॉल किया और कह रहा कि मैं तुम्हें गाड़ी डिलीवर नहीं कर पाऊंगा क्योंकि उससे धमकी दी गई है। तो फिलहाल के भाई साहब मैंने उसके बारे में लेस्टर से बात की। तो फिलहाल के जो धमकी देने वाले थे ना वो थे मतलब जो बिग माफिया उसका बेटा और मार्टिन मद्राजो। तो फिलहाल के भाई साहब क्या ही बताएं, वो गाड़ी डिलीवर करने के लिए एकदम मना कर रहे थे। उसके साथ जो लोस्ट गैंग का हेड था ना वो भी उनके साथ ही था। तो फिलहाल के हमने लेस्टर से बात की। तो फिलहाल के लेस्टर कहे तुम ट्रेवल से जाकर बात करो, शायद ट्रेवल को जो लोस गैंग का हेड है ना उसके बारे में पता चल सके। तो फिलहाल या फिर किसी भी बंदे के बारे में पता चल सके। ओके, तो फिलहाल हम गए थे ट्रेवल के पास। तो जैसे हम ट्रेवल के पास गए ना तो फिलहाल हमने ट्रेवल से बात कर, फिलहाल वो कह रहा कि एक बंदा है जिसके पास फिलहाल के वो काफ़ी ज़्यादा बार जाता है, जो लोस गैंग का हेड है ना वो फिलहाल के उसके पास काफ़ी बार जाता है, तो शायद वो वहीं पर मिल सकता है। तो फिलहाल मैं और ट्रेवल फिलहाल के वहाँ पर गए थे, उसी के साथ फिलहाल के वहाँ पर उन बंदों को हमने मारा और फिलहाल के वहाँ पर हमें लोस गैंग का हेड मिल चुका था। फिलहाल हमने उसको भी मार डाला था। उसी के साथ फिलहाल हम अपनी गाड़ी को लेकर वहां से हमें गाड़ी मिली थी जो थी मस्टैंग GT। तो फिलहाल काफी जबरदस्त थी और मैंने बैनी को दे दी फिलहाल के रिपेयर करने के लिए, उसके साथ मॉडिफाई करने के लिए। जो यहाँ पर बंदे आप देख रहे हो ना ये यहाँ पर घूमने के लिए नहीं आए, ये आए थे गाड़ी लेने के लिए, लेकिन फिलहाल हमें यहाँ पर गाड़ी नहीं मिली तो ये काफी ज्यादा नाराज है। तो फिलहाल मैं नॉर्मल घूमने के लिए चला गया था। मैंने कह दिया था एक तो 2 दिन के अंदर तुम्हें गाड़ियाँ डिलीवर मैं कर दूंगा, 100% कोई भी दिक्कत नहीं होगी। फिलहाल ये कह रहा है कोई दिक्कत नहीं है, 1-2 दिन के अंदर हमें गाड़ी मिल जानी चाहिए क्योंकि जितनी अच्छी गाड़ी तुम यहाँ पर अवेलेबल कराते वो कोई भी सेंटर्स में अवेलेबल नहीं कराता। तो फिलहाल की काफ़ी ज़्यादा अच्छी बात है। उसी के साथ ही फिलहाल यहाँ पर हमें जो टो ट्रक है वो खड़े हैं। उसी के साथ जो मस्टैंग GT है ना वो हमने बैनी को दिए मॉडिफाई करने के लिए। उसी के साथ जो मस्टैंग GT है मुझे नहीं पता किसकी है, शायद वो बिग माफिया की नहीं, जो फिलहाल के जो लोस गैंग का हेड है ना उसकी हो सकती है, या फिर उसका जो फ्रेंड था ना वो हमने पिछले एपिसोड में मार डाला शायद उसकी हो सकती है। तो फिलहाल एक बार जल्दी जल्दी चलते हैं, मैं बैनी से बात करता हूँ, शायद उसे हमारी गाड़ी है ना मॉडिफाई कर दी होगी। अगर नहीं की होगी तो वो भी देख लेंगे, अगर कर दी होगी तो वो भी काफ़ी अच्छी बात है। तो फिलहाल ये रही हमारी मस्टैंग GT और भाई साहब काफ़ी ज़्यादा अच्छी मॉडिफिकेशन कर रखी है। तो एक बार आप कमेंट करके बताओ को आपको कैसी लगी, मुझे तो काफ़ी ज़्यादा बेहतर लगी। एक बार देखो भाई साहब क्या ही लुक आ रहा है। उसी के साथ यहाँ पर एक जो गाड़ी है ना ये भी रिपेयर के लिए आई थी, उसके साथ जो दूसरी वाली गाड़ी है उसे मैं टो करके लिए गया था। फिलहाल के लिए वो आपको मैं नहीं दिखा पाऊंगा, लेकिन फिलहाल के यहाँ पर मैं सुबह सुबह जल्दी उठकर इसे टो करके ले गया। तो फिलहाल ये भी काफ़ी ज़्यादा कचड़ा है, तो फिलहाल इसे रिपेयर कर देगा। उसके साथ एक वाली रिपेयर कर दी है, दूसरी वाली नहीं की। तो फिलहाल एक बार जल्दी जल्दी चलते हैं, उसी के साथ ही फिलहाल के बैनी से बात करते हैं कि फिलहाल कोई काम है या फिर नहीं। उसके साथ मेरे पास एक और कॉल आया था तो वो मैं आपको बताऊंगा। और राइट गाइस, फिलहाल मेरी बहन से बात हुई है। तो फिलहाल के बहन कह रहा है कोई काम नहीं है फिलहाल के लिए, लेकिन जो गाड़ी है ना ये तुम्हें डिलीवर करके आनी है। तो फिलहाल के जी मैं कॉल कर दूंगा जब डिलीवर करके आनी पड़ेगी, कोई दिक्कत नहीं है। फिलहाल के अभी ये कह रहा अभी नहीं जाना, थोड़ी टाइम के बाद जाना है। उससे से जो मैं कॉल की बात बता रहा था ना वो आया था माफिया का। माफिया हमारा काफ़ी अच्छा दोस्त है लेकिन वो बिग माफिया का भाई है, ये काफ़ी ज़्यादा गलत बात है। वो कह रहा हम तुम्हें से दोस्ती करना चाहते हैं दोबारा से, लेकिन फिलहाल के तुम हमारे काम में बीच में मत आना और हम तुम्हारे काम के बीच में मत नहीं आएंगे। और तो जितनी तुम्हें गाड़ियाँ मंगवानी है तुम मंगवा सकते हो, हम कोई भी दिक्कत खड़ी नहीं करेंगे। तो फिलहाल के मैंने उसे कह दिया है मैं तुमसे मिलने के लिए आ रहा हूँ, उन्होंने मुझे पहले बुलाया था। तो फिलहाल के मैंने कह दिया मैं मिलने के लिए आ रहा हूँ। तो फिलहाल के जल्दी जल्दी अपनी मस्टैंग GT निकालते हैं, तो उसी के अंदर बैठ के चलेंगे। तो फिलहाल के यहाँ पर जो मस्टैंग GT काफ़ी ज़्यादा बेहतर है, तो फिलहाल के उसके पास मैं जाऊँगा, उसी के साथ फिलहाल के उसे देखते भाई साहब क्या बात करेगा। तो फिलहाल के वो कह रहा है मैं मार्टिन मद्रासो बिग माफिया और फिलहाल के लिए यहाँ पर उसका जो बेटा है ना फिलहाल के उसको भी मैं बिठा कर रखूँगा। तो फिलहाल के उन सबसे तुम्हारी डील करवा दूंगा, फिलहाल के तुम्हें उनसे कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी, उन्हें भी तुमसे कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। तो फिलहाल के हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो फिलहाल के भाई साहब अगर वो बंदा मान मतलब बातचीत करके सुलझाना चाहेंगे तो काफ़ी अच्छी बात है, अगर नहीं माने ना काफ़ी ज़्यादा मैं बुरे वाला कूटूंगा। तो फिलहाल के यहाँ पर अपनी गाड़ी को लेकर जाने वाले हैं, तो अगर कोई स्कैम मिला ना तो फिलहाल मेरे पास वेपन है, कोई दिक्कत नहीं है, मैं इसीलिए उनको ठोक दूंगा। तो फिलहाल जो बिग माफिया कहने पर आया क्योंकि बिग माफिया काफ़ी ज़्यादा अच्छा दोस्त है, उसी के साथ ही फिलहाल बिग माफिया के लिए हमें काफ़ी ज़्यादा काम किया है, शायद फिलहाल वो दोस्ती कायम करना चाहता है इसलिए उसने हमें बुलाया है। तो फिलहाल के जल्दी अपनी मस्टैंग GT को भगाते हैं और चलते हैं बिग माफिया के पास। बिग माफिया जैसे मुझे पता होगा कि फिलहाल के जो बिग माफिया लोकेशन है ना फिलहाल के लिए वो वहीं पर है, जो उसका मलिबाग मेंशन है ना वहीं पर हमें जाना है। तो फिलहाल के वहीं पर बिग माफिया माफिया और फिलहाल के जो लोस गैंग का हेड है वो हो सकता था लेकिन वो हमने मार डाला है। तो फिलहाल के वहीं पर चलकर देखते हैं भाई साहब उनका क्या रिएक्शन होता है, जब उनका शायद पता चल गया होगा कि फिलहाल के हमने लोस गैंग के हेड को मार दिया, उनको भी शायद डर हो गया कि फिलहाल के मार जो
जो माइकल है ना फिलहाल के उनको भी मार सकता है या फिर उनके लिए काफ़ी ज़्यादा बड़ा खतरा क्रिएट कर सकता है। तो फिलहाल के अच्छी बात है, तो फिलहाल के यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा भीड़ है, तो फिलहाल के अपनी गाड़ी को जल्दी जल्दी मैं भगाने वाला हूँ। तो फिलहाल के आप लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दो, तब तक फिलहाल के जल्दी जल्दी अपनी गाड़ी को भगाते हैं और चलते हैं माफिया से मिलने के लिए, उसके बाद हम जाएंगे बनेगी गाड़ी डिलीवर। ऑलराइट गाइस, फिलहाल के अपनी गाड़ी को भगाते भगाते हम पहुंचने वाले हैं फिलहाल के लिए बिग माफिया के मेंशन पर। वहीं पर हमें माफिया मिलेगा और हम माफिया से चलकर बात करेंगे। बिग माफिया से बात करने का कोई भी फायदा नहीं है, वो बंदा भाई साहब झगड़े की मूड में रहता है। अगर उसे झगड़ा करना ना तो फिलहाल खुल के करें, कोई दिक्कत नहीं है। फिलहाल के वो कई बार हमारे पीछे से वार करके और कई बार हमें बेहोश किया है, तो फिलहाल के उसका बदला, फिलहाल के अगर दोस्ती हो जाती है तो ठीक है, वरना उसका बदला तो हम ज़रूर लेंगे। फिलहाल के बिग माफिया की लोकेशन हमें आज तक पता चली नहीं कि फिलहाल के वो रहता कहाँ है। तो फिलहाल यहाँ पर जो उसका मेंशन है ना वो भी खाली करके चला जाता है जब दुश्मनी होती है, लेकिन फिलहाल यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा सिक्योरिटी खड़ी है। तो फिलहाल के भाई साहब जल्दी जल्दी हटा लो यहाँ से, फिलहाल के गाड़ियाँ नहीं हट रही यार। तो फिलहाल के आज जाने आप वेट करते हैं फिलहाल के लिए, यहाँ पर इस गाड़ी को और जाने दें, उसके बाद थोड़ी सी जगह है। तो फिलहाल के जल्दी जल्दी चलते हैं और एक बार मैं इन बंदों से बात कर लेता हूँ। और राइट गाइस, फिलहाल के इन बंदों से मेरी बात हो चुकी है। तो फिलहाल के कह रहे हैं हम तुम्हारा ही वेट कर रहे थे, फिलहाल के तुम अंदर जा सकते हो। तो फिलहाल के मैंने कह देने को, फिलहाल के मेरे पास वेपन थे, कह रहा कोई दिक्कत नहीं है, तुम सेफ्टी के लिए ले हुए हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो फिलहाल के अगर भाई से मुझे मारना होता ना, इससे भी वेपन बाहर रखवा लेते। तो फिलहाल के यहाँ पर सेफ्टी के लिए कहकर, और फिलहाल भाई साहब गाड़ियों का भंडार है इसके पास भाई साहब। फिलहाल के बाहर की तरफ है ना इतने ज़्यादा खास नहीं है, लेकिन अंदर की तरफ है ना यहाँ पर जेनेट्रोनो और काफ़ी ज़बरदस्त गाड़ी, एक बार ये रेसिंग में भी हमें देखने के लिए मिली थी और हम इसे बेचने के लिए लेकर आए थे। और यहाँ पर एक जो ये गाड़ी है ये भी नॉर्मल है, उसी के साथ ही फिलहाल के यहाँ पर SUVs खड़ी हैं। तो फिलहाल के जल्दी चलते हैं, इस बंदे से बात कर लेते हैं कि माफिया कहाँ पर है। राइट गाइस, फिलहाल मैंने से बात हो चुकी है, बंदा कह रहा है कि फिलहाल के तुम अंदर जाकर उन लोगों से मिल सकते हो, अंदर बिग माफिया माफिया और बिग माफिया बेटा और मार्टिन मद्रासो हैं, उनसे तुम जाकर बात कर सकते हो। तो फिलहाल इस घर के अंदर मैं पहले भी आया हूँ, तो फिलहाल के बार मैं आपको दोबारा इसका टूर करा देता हूँ, पूरा तो मैं नहीं घुमा पाऊंगा, लेकिन फिलहाल के जहाँ तक मैं जाऊँगा ना वहाँ तक तो वो दिखाई दूंगा। तो फिलहाल यहाँ पर देख सकते हो काफ़ी ज़्यादा गजब का घर है, इसका ऑटोमेटिक डोर लगे हुए हैं, काफ़ी ज़्यादा मुझे तो काफ़ी ज़्यादा पसंद था ये घर, लेकिन फिलहाल अब हमारे पास काफ़ी ज़्यादा बड़ा घर है तो इस घर का क्या ही करेंगे। तो फिलहाल के वहाँ पर सामने तक बिग माफिया खड़ा हुआ है, तो उससे चलकर एक बार बात करते हो। यहाँ पर मार्टिन मद्रासो और बिग माफिया भी है, माफिया भी है फिलहाल के भाई साहब। यहाँ पर उसका बेटा तो मुझे दिखाई नहीं दे रहा, तो भाई साहब वो रहा दारू पी रहा है, भाई साहब गन है उसके हाथ में। तो एक बार चलता हूँ और फिलहाल के लिए माफिया से मैं एक बार चलकर बात कर लेता हूँ ये क्या कहता है। और राइट गाइस, फिलहाल मेरी बिग माफिया से और मार्टिन मद्रासो से सबसे बात हो चुकी है। वो किसी के साथ ये कह रहे हैं कि फिलहाल के आज से हमारी दुश्मनी ख़त्म करते हैं, फिलहाल के आज के बाद कोई भी झगड़ा नहीं करेंगे, अगर हम ऐसे ही झगड़ा करते रहे ना तो फिलहाल के लॉस सैंटोस से कोई और ही कब्जा कर जाएगा। तो फिलहाल ये भी सही बात है कि फिलहाल जैसे कि कोई और बंदा आए और हमारे बीच में तो लड़ाई चल ही रही है, तो फिलहाल हमको ख़त्म कर दे और फिलहाल के कोई और यहाँ पर कब्जा कर ले। तो ये कह रहे हैं हम एक दूसरे के साथ रहेंगे, फिलहाल के शाम की तरफ तुम आना, यहाँ पर हम तुम्हें थोड़ा बहुत पैसा देंगे। फिलहाल के तुम्हारा जब तक जितना नुकसान किया है या फिर तुम्हें जितना डैमेज पहुँचा है उसके सारे के सारे हम पैसे दे देंगे। फिलहाल के शाम के टाइम ना इसका जो बेटा है ये हमें यहाँ पर मिलेगा, ये यहाँ पर मतलब तीनों के तीनों कहीं पर जा रहे हैं, लेकिन बिग माफिया बेटा हमें यहीं पर मिलेगा, तो ये हमें पैसे दे देगा। उसी के साथ फिलहाल के लिए हमें शाम के टाइम पर आना है, कोई दिक्कत नहीं है, हम आ जाएंगे। और फिलहाल के जो पैसे हैं ना वो तो मिल ही रहे ना, वो काफ़ी ज़्यादा अच्छी बात है, लेकिन इसके पीछे कोई स्कैम हुआ ना वो काफ़ी ज़्यादा दिन के लिए बुरा होगा। तो फिलहाल के यहाँ पर इन लोगों से बात तो हमारी हो ही चुकी है, तो अब चलते हैं दोबारा से अपने घर पर। सो गाइस, फिलहाल इनसे हम आकर शाम को मिल लेंगे। उसी के साथ जो हमारा शोरूम डिस्ट्रॉय हुआ ना, जो फिलहाल के जो सबसे पहले हमने शोरूम लिया था वो हम इन लोगों ने डिस्ट्रॉय किया था, और फिलहाल के वो काफ़ी ज़्यादा महंगा था। ये कह रहे हैं तुम्हें फिलहाल के लिए शाम को उसके ही पैसे दे देंगे, और फिलहाल के जितनी बार तुम्हारे पिटाई की ना उसके ही पैसे दे देंगे। पिटाई नहीं, फिलहाल के ना पीछे से वार किया था, उसी के साथ फिलहाल एक बार ये आगे से आ जाने तो इनका मैं मुंह तोड़ दूंगा। तो फिलहाल के मैं इनसे डील डन करता हूँ, और फिलहाल के भाई साहब यहाँ पर इन लोगों से भी आकर मिल लूँगा बाद में, लेकिन फिलहाल के ये कहीं पर बाहर जाने वाले हैं, शाम के टाइम पर ये नहीं मिलेंगे, लेकिन जो बिग माफिया बेटा ना वो यहीं पर मिलेगा। तो फिलहाल के उससे आकर हमें पैसे लेने हैं, और जितने ही पैसे देना सारे सारे लेने हैं, वो अभी तक डील है इन्होंने बताया नहीं कि कितना ज़्यादा पैसा मिलेगा। वो कह रहे हैं हम तुम्हें शाम को ही बताएंगे तुम्हें कितना ज़्यादा पैसा मिलेगा। तो फिलहाल के हम आ जाएंगे, देखते हैं भाई साहब कितना ज़्यादा पैसा मिलेगा। आपको क्या लगता है कि कितना ज़्यादा होगा, लाख करोड़ या फिर 10 करोड़, कितना होगा मुझे नहीं पता, एक बार आप कमेंट करके जरूर बताना। तो फिलहाल के देखते हैं भाई साहब काफ़ी ज़्यादा अमीर हो सकते हैं, क्योंकि हम बिजनेस कर सकते हैं, लूटा मतलब लूट कर सकते हैं। तो फिलहाल के किसी बैंक में उसी के साथ वहाँ पर हमारी मस्टैंग GT खड़ी है, तो जल्दी जल्दी उसके अंदर बैठते हैं, फिलहाल के यहाँ से जल्दी जल्दी घुमाते हैं और चलते हैं अपने शोरूम पर।
उसी के साथ ही फिलहाल का जो बिग माफिया ना वो भी एकदम मतलब फिलहाल के झगड़े के मूड में था, लेकिन फिलहाल के वो कह रहा है कि जो मेरा भाई है ना माफिया उसके वजह से मैं शांत हूँ। फिलहाल के उसने तुम फिलहाल के तुमने मेरे भाई की हेल्प की थी इसलिए फिलहाल के हम कुछ भी नहीं कह रहे। उसी के साथ ही फिलहाल के अब ये काफ़ी अच्छी बात है कि फिलहाल के वो झगड़े से दूर रहना चाहते हैं। तो फिलहाल के हम भी झगड़ा नहीं चाहते थे क्योंकि भाई साहब अगर बिजनेस करना ना तो झगड़ा में नहीं होगा। तो फिलहाल के यहाँ से जल्दी अपनी गाड़ी को निकालते हैं और चलते हैं अपने शोरूम पर। और फिलहाल के जो गाड़ी डिलीवर करने के लिए आई है ना, सबसे पहले हम गाड़ी डिलीवर करेंगे, उसके बाद फिलहाल के जब तक हम गाड़ी डिलीवर करके आएंगे शायद शाम हो जाएगी। और उसी के साथ फिलहाल के शाम को अगर हमें पैसे कलेक्ट करने हैं तो फिलहाल के यहाँ पर तीनों के तीनों बंदे जाने वाले हैं नॉर्थ यंगटन। उसी के साथ जो इसका बेटा वो यहीं पर रहेगा फिलहाल के वो पैसे देने के लिए, शायद वो भी बाद में जाएगा या फिर नहीं जाएगा वो मुझे नहीं पता। इन लोगों ने कहा कि हम जाएंगे फिलहाल के नॉर्थ यंगटन और ये जो है ना ये तुम्हें शाम को पैसे दे देगा। तो फिलहाल के हमें पैसे चाहिए, कोई दिक्कत नहीं है, दुश्मनी ख़त्म करनी है उन लोगों को तो पैसे भी तो देने पड़ेंगे। तो फिलहाल यहाँ से जल्दी टर्न देते हैं, यहाँ से भगाते हैं भाई साहब, थोड़ा भगा ले इस गाड़ी को, वैसे ही चला रहा भाई साहब इस खटारा गाड़ी को, क्यों निकल निकलते हो। तो फिलहाल यहाँ पर हमारे शोरूम में जब भी गाड़ी आएंगी ना तुम आकर ले जाना। तो फिलहाल काफ़ी ख़तरनाक गाड़ियाँ बेचते हैं, फिलहाल के यहाँ पर देख सकते हो नॉर्मल गाड़ियाँ लेकर घूमते हैं, हमारे जितनी ज़्यादा ख़तरनाक गाड़ी कोई भी लेकर नहीं घूमता। हमारी गाड़ी काफ़ी ज़्यादा अलग है और सबसे डिफरेंट होती है, काफ़ी ज़्यादा महंगी भी होती है, वो अलग बात है। तो फिलहाल के हम खरीदते भी नहीं लेकिन फिलहाल के चुरा लेते हैं या फिर किसी बंदे को मार कर ले लेते हैं। तो फिलहाल के यहाँ पर अपनी गाड़ी को जल्दी जल्दी यहाँ से लेफ्ट टर्न देते हैं और जो हमारा शोरूम है यहाँ से कुछ दूर नहीं है, एकदम काफ़ी ज़्यादा नज़दीक है। तो फिलहाल के यहाँ से भगाते हैं और फिलहाल के मैं दूसरी तरफ मतलब फिलहाल के फुटपाथ पे चला रहा हूँ, लेकिन फिलहाल के मैं फिलहाल के रोड पर आ चुका हूँ। उसी के साथ अब भगाने की बारी आ चुकी है इस गाड़ी की। तो मॉडिफाई करने के बाद ये गाड़ी है ना 200-300 इजीली क्रॉस कर लेगी। तो फिलहाल के यहाँ पर भगाने का रास्ता है ही नहीं और ना आपको भगा के ज़रूर दिखाता। तो फिलहाल के यहाँ पर देख सकते भाई साहब हटा लो, बिल्कुल भी हटाने का नाम नहीं ले रहे भाई, क्या बताऊँ इन लोगों का, इतना ज़्यादा दिमाग ख़राब कर देते हैं ये लोग। फिलहाल के अपनी गाड़ी तो एकदम धीरे चलाते हैं, उसे अगर हम ठोक देना तो ये भाई साहब उतर के सोचेंगे हम इन्हें मार देंगे, लेकिन फिलहाल के पिट कर जाते हैं। तो फिलहाल के अपनी गाड़ी को भगाते बताए शोरूम पर पहुँचने वाले हैं। उसी के साथ भाई साहब हटा लो यार ये लोग, भाई साहब एक सामने तरफ ऐसा पागल आ रहा हो एकदम घुमा दी गाड़ी। तो फिलहाल यहाँ पर थोड़ा सा भाई साहब ठीक है, तो फिलहाल के जल्दी जल्दी से भगाते और यहाँ पर भाई हटा लो, बस बहुत ज़्यादा टाइम ख़राब कर देते हैं यार इतने ज़्यादा ट्रैफिक होने की वजह से। तो फिलहाल के अपने शोरूम पर आ चुके हैं, यहाँ से मुझे लेफ्ट टर्न देता है और फिलहाल के जल्दी से अपनी गाड़ी को लेकर फिलहाल के बाहर ही खड़ी कर देता हूँ। तो फिलहाल के यहीं पर खड़ी करते हैं, उसी के साथ ही हम जल्दी जल्दी अंदर चलते हैं और बनी से बात करते हैं जो गाड़ी है ना वो हमें कहाँ पर डिलीवर करनी है। तो फिलहाल के अगर कोई आसपास करनी होता है फिलहाल के हम कर देंगे, अगर दूर करनी पड़ेगी ना तो फिलहाल के यहाँ पर बनी खुद ब खुद कर लेगा। तो फिलहाल के हम जल्दी जल्दी अंदर चलते हैं और फिलहाल के बनी देख लेगा कि मतलब बनी बताएगा कि कहाँ पर डिलीवर करनी है। उसी तक घर के हमारे घर के पास मिल जाए ना तो काफ़ी ज़्यादा अच्छी बात है। मुझे ड्रेस चेंज करनी है, ये कपड़े काफ़ी ज़्यादा लग रहे हैं शाम के पास, मतलब शाम को काफी ज्यादा पैसा मिलने वाला है ना, तो इसलिए हमें ड्रेस तो चेंज करनी पड़ेगी। तो फिलहाल की ये गाड़ी हमें डिलीवर करके आनी है और जो दूसरी वाली गाड़ी है ना वो फिलहाल के बेनी रिपेयर कर रहा है। तो एक बार चलते हैं और बेनी से बात करते और लोकेशन ले लेते कहाँ पर डिलीवर करनी है। और राइट गाइस फिलहाल मैंने इससे बात हो चुकी है, फिलहाल इसे मुझे गाड़ी कहाँ पर डिलीवर करनी है वो मुझे बता दिया। तो फिलहाल जल्दी जल्दी इस गाड़ी को यहाँ से निकालते हैं और फिलहाल जो गाड़ी डिलीवर करनी है ना जो हमारे नए वाला मेंशन है उसके पास करनी है, लेकिन जो फिलहाल के मुझे कपड़े हैं ना वो फिलहाल हमारे जो पुराने वाले घर में है। तो फिलहाल मुझे पूरी गाड़ी घुमाकर अपने पुराने वाले घर में जाना पड़ेगा, ज़्यादा दूर नहीं है लेकिन फिलहाल हम जा सकते हैं। तो फिलहाल जा सकते क्या, जाना पड़ेगा क्योंकि इस ड्रेस में काफ़ी ज़्यादा बोर हो चुका, काफ़ी ज़्यादा गंदे कपड़े हो चुके हैं। तो फिलहाल इसे अपनी गाड़ी को ना जल्दी जल्दी भगा लेते हैं। इस गाड़ी स्पीड आपको क्या लगती है, ज़्यादा ज़्यादा क्या होगी? तो फिलहाल कि मेरे हिसाब से ज़्यादा ज़्यादा 150 होगी। यहाँ पर एक रोड है ना वो भगाने वाला नहीं है, तो मैं आपको एक बार भगा कर दिखा सकता था, लेकिन फिलहाल कि यहाँ पर नॉर्मली 100 चल रही है। तो फिलहाल कि इसको ज़्यादा ज़्यादा 150 होगी क्योंकि ये ना स्पोर्ट्स कार नहीं है, रेसिंग कार नहीं है, ये नॉर्मल है। तो फिलहाल यहाँ पर नॉर्मल बंदे ऐसे ही लेकर घूमते रहते हैं, लेकिन थोड़ी बहुत ये महंगी हो सकती है। अगर इसे अच्छी खासी मॉडिफिकेशन करवा देना तो फिलहाल ये भी काफ़ी ज़्यादा अच्छी तरह से भाग सकती है, लेकिन जो जिसकी ये गाड़ी है ना उसने मॉडिफिकेशन नहीं कहा, सिर्फ रिपेयर के लिए कहा था। तो फिलहाल ये बनी ने रिपेयर कर दिया है, तो फिलहाल ये काफ़ी ज़्यादा अच्छी बात है। और भाई साहब यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा ट्रैफिक है और ट्रैफिक में काफ़ी ज़्यादा बोर हो जाता हूँ। तो फिलहाल के यहाँ से अपनी गाड़ी को जल्दी जल्दी निकालते हैं, भाई साहब मैंने यहाँ से निकाल ली, तो अब इसे जल्दी जल्दी यहाँ से भगाते हैं।
गाइस थोड़ा शाम होने से पहले ना हमें अपनी गाड़ी मतलब ये वाली गाड़ी डिलीवर करनी है, उसके बाद कहीं से गाड़ी का जुगाड़ करके अपने घर पर जाना। घर पर जाने के बाद फला के ड्रेस चेंज करनी है, मतलब नहाकर ड्रेस चेंज करनी है, और फला के जैसे ड्रेस चेंज हो जाएगा ना दोबारा से अपने शोरूम पर जाना। शोरूम पर जाने के बाद फिलहाल के वहाँ से अपनी मस्टैंग जीटी उठानी है, और जो मस्टैंग जीटी को लेकर जाऊँगा फिलहाल के बिग माफिया के बेटे के पास। तो फिलहाल के जो उसकी बंदे की लोकेशन जो भेजी है जहाँ पर गाड़ी डिलीवर करनी है वो काफ़ी ज़्यादा नज़दीक है यहाँ से, यहाँ से मुझे इजीली राइट लेना है। तो फिलहाल मैंने यहाँ से राइट टर्न ले लिया है, उसी के साथ फिलहाल अब मुझे जल्दी जल्दी घुमा कर लेफ्ट लेना है। तो फिलहाल यहाँ से मुझे लेफ्ट ले लिया है, और फिलहाल जो सामने तरफ है ना आप जो बड़े बड़े घर देख रहे हो वहीं पर हमें इस गाड़ी को डिलीवर करना है। तो फिलहाल सामने वाले में नहीं, लेकिन फिलहाल के लिए यहाँ से घुमा कर जाना है। फिलहाल हम आगे से घुमा सकते हैं, उसी के साथ जो सामने तरफ येलो घर वाला घर देख रहे हो ना ये काफ़ी ज़्यादा गजब का है। फिलहाल आपको कैसा लगता है कमेंट करके जरूर बताना, मुझे नहीं पता किसका है। तो इस गली गाइस इस गली में लेकर जा मुझे थोड़ा सा फिलहाल के ब्रेक नहीं लगे, तो फिलहाल मैं जल्दी जल्दी इस गली के अंदर घुमा लेता हूँ। उसी के साथ ही फिलहाल मैंने इस बंदे को कॉल कर दिया होगा, तो फिलहाल शायद वो वेट कर रहा होगा या फिर घर के अंदर है, वहीं पर चलकर बात कर लेंगे। ओके फिलहाल जो मतलब मालिक नहीं है मालकिन है, तो फिलहाल जो गाड़ी की मालकिन है ना वो यहीं पर खड़ी है, तो इससे एक बार चलकर बात कर लेते हैं। तो फिलहाल इसे गाड़ी की चाबी देते हैं और फिलहाल के यहाँ से जल्दी जल्दी निकल लेते हैं। और राइट गाइस फिलहाल मेरे से बात हो चुकी है, और फिलहाल के भाई सब इसने चाबी ले ली और फिलहाल के कह रहे मैंने पैसे दे दिए। तो फिलहाल के कोई दिक्कत नहीं है, बेनी ने हमें बता दिया था कि पैसे हमें मिल चुके हैं। तो हमारा एक काम तो हो चुका, उसी के साथ अब दूसरा काम करना, हमें अपने घर पर जाना है। तो फिलहाल के यहाँ पर एक सामने तरफ गाड़ी खड़ी है, तो फिलहाल के यहाँ पर गाड़ी मुझे यही उठा के ले चलो गया। तो फिलहाल के टैक्सी बुक करूँगा, थोड़ा टैक्सी को आने में टाइम लगेगा, उसके बाद फिलहाल के उस बंदे को ले जाकर फिलहाल के अपने घर पर ले जाएगा, काफ़ी ज़्यादा टाइम लग जाएगा। तो फिलहाल के इस गाड़ी का यहाँ पर जल्दी जल्दी इससे फिलहाल के अनलॉक करते हैं, इसके अंदर बैठते हैं। तो फिलहाल के भाई समय इसका शीशा है वो तोड़ दिया, तो फिलहाल के जल्दी इसको अनलॉक कर देते हैं। तो फिलहाल के यहाँ पर ये बिना चाबी के स्टार्ट हो चुके हैं, तो अब जल्दी जल्दी इसे भगा लेते हैं। उसी के साथ ही फिलहाल आप देख सकते हो ये है ना एक नॉर्मल SUV है, तो फिलहाल के इसे भगाने में काफ़ी ज़्यादा मज़ा आएगा। और जो हमारा घर है ना कोई ज़्यादा दूर नहीं है, यहाँ से काफ़ी ज़्यादा नज़दीक है। तो फिलहाल के यहाँ से देख भाई साहब हटा लो यार, बिल्कुल भी हटने का नाम नहीं ले रहे। तो फिलहाल यहाँ से जल्दी जल्दी भगाते हैं और अपनी गाड़ी को ना इसको घर के पास नहीं लेकर जाएंगे, तो फिलहाल इसे दूरी खड़ा कर देंगे, क्योंकि फिलहाल ये गाड़ी चोरी की और फिलहाल हमारे घर के पास बिल्कुल भी नहीं मिलनी चाहिए। तो फिलहाल अपना घर भी आ चुका है, तो इस गाड़ी को मैं कहीं पर पार्क करना चाहिए। तो फिलहाल के लिए यहाँ पर कहाँ पर जगह है, तो फिलहाल के यहीं पर पार्क कर देते हैं। तो फिलहाल के जी यहीं पर मैंने फंसा दिए हैं, और जल्दी जल्दी उतरते हैं और अपने घर के अंदर चलते हैं। उसके बाद हम नहाएंगे और ड्रेस चेंज करेंगे, उसमें थोड़ा बहुत टाइम लगने वाला है, तब तक शाम हो जाएगी, और शाम होने के बाद अपनी गाड़ी को लेकर हम निकल जाएंगे फिलहाल बिग माफिया बेटे से मिलने के लिए। तो भाई साहब तू जल्दी जल्दी निकल। उसी के साथ ही फिलहाल यहाँ पर जो डोर है ये ओपन हो, फिलहाल मुझे लगा कि कहीं गार्डनर ने बंद ना कर दिया, अगर बंद कर दिया तो गार्डनर को मैं आज ही निकाल देता, क्योंकि भाई सब रात को बंद नहीं करता और दिन में बंद करे रहता है। तो फिलहाल यहाँ पर जो फिलहाल के जो माइकल का बेटा ना वो कहीं से घूम कर आया, तो ये जिमी है ना सारा दिन घूमता रहता है, तो फिलहाल भाई साहब साइकिल पर घूमता रहता है वो अलग बात है। तो फिलहाल के भाई साहब इसका वो जो वजन है ना वो कम हो जाएगा, तो फिलहाल साइकिलिंग चलाया कर अच्छी बात है। तो फिलहाल जल्दी जल्दी ऊपर चलते हैं। उसी के साथ भाई साहब ये भी अपने कमरे में जा रहा है, मैं भी अपने कमरे में जा रहा हूँ। तो फिलहाल जल्दी जल्दी अंदर चलते हैं, उसी के साथ जल्दी जल्दी नहा लेते हैं और अपनी ड्रेस है ना जल्दी जल्दी कर चेंज कर लेते हैं। राइट गाइस फिलहाल मैंने यहाँ पर ड्रेस चेंज कर लिया, और फिलहाल के अभी है ना काफ़ी ज़्यादा टाइम हो चुका, शाम हो चुकी है, फिलहाल के नहाने में काफ़ी ज़्यादा टाइम लगा दिया माइकल ने। उसी के साथ जो ड्रेस है ना वो चूज़ करने में थोड़ा बहुत टाइम लग गया, तो फिलहाल के नॉर्मल कपड़े नहीं, आज हम पैसे लेने के लिए जा रहे हैं, तो फिलहाल के यहाँ पर एकदम सूट बूट पहन कर जाएंगे, काफ़ी ज़्यादा अच्छा रहेगा। उसी के साथ जो गाड़ी है ना फिलहाल के वो वाली मैं अपने शोरूम पर नहीं ले जाने वाला, फिलहाल के लिए यहाँ पर अमांडा ही कार है, तो फिलहाल के मैं सोच रहा हूँ क्यों ना इस अमांडा ही कार को ही वहीं पर लेकर जाया जाए। तो फिलहाल के अपनी गाड़ी के अंदर तो मैं बैठ चुका हूँ, फिलहाल के आप जल्दी जल्दी भगाते इस गाड़ी को और चलते अपने शोरूम पर। तो फिलहाल के जो अमांडा ही कार है ना उसको भी थोड़ा बहुत मॉडिफाई करवा देंगे, या फिर थोड़ी बहुत रिपेयर की जरूरत पड़ेगी ना तो करवा देंगे, वरना वहीं पर खड़ी करेंगे, बैनी बाद में से खड़ी कर जाए घर पर, हमें अपनी मस्टैंग GT चाहिए। तो फिलहाल इसको लेकर मैं नहीं जाऊंगा फिलहाल के बिग माफिया बेटे के पास, क्योंकि भाई साहब इतना ज़्यादा पैसा लेने के लिए जा रहा हूँ और फिलहाल ऐसी गाड़ी में जाऊँगा तो अच्छा नहीं रहेगा। तो फिलहाल हम जाएंगे अपनी मस्टैंग GT में, पता ही होगा मस्टैंग GT कितने ज़्यादा महंगी आती है, उसी के साथ फिलहाल ये गाड़ियाँ काफ़ी ज़्यादा सस्ती है। तो फिलहाल अपनी गाड़ी को जल्दी जल्दी भगा लेते हैं। उसी के साथ आज हमारी फिलहाल की दुश्मनी परमानेंटली ख़त्म हो चुकी, परमानेंटली तो मैं क्या ही बताऊं। तो फिलहाल के अभी तो हमारी दुश्मनी ख़त्म हो चुकी है, अब हम लिबर्टी वाले फ्रेंड को कॉल कर सकते हैं। तो फिलहाल मुझे यहाँ से टर्न देता है,
फिर आगे मैं पहले टर्न दे दूँ उसके बाद बात करेंगे, वरना मैं बात के चक्कर में टर्न देना भूल जाता और फिर आगे निकल जाता। तो फिलहाल हमें अपने लिबर्टी वाले फ्रेंड को कॉल करना है, उसे कह देना आप तुम्हें कोई भी मतलब फिलहाल कोई भी खतरा नहीं है, ना तुम्हें गाड़ियों को और फिलहाल किसी को भी खतरा नहीं है, तुम फिलहाल की गाड़ी डिलीवर कर सकते हो। तो फिलहाल देख लेंगे वो कितने दिन में डिलीवर करेगा। तो फिलहाल के भाई साहब लिबर्टी सिटी में आने के लिए फिलहाल मैंने ऑर्डर तो उसे पहले दे दिया था कौन कौन सी गाड़ियाँ लेकर आनी है, लेकिन फिलहाल उसे डिलीवरी नहीं दी। तो फिलहाल के भाई साहब जो डिलीवरी नहीं दी ना, तो अब की बार काफ़ी था थोड़ा सा मतलब टाइम लग सकता है डिलीवरी देने में, कम से कम 4-5 दिन का जल्दी टाइम लग जाता है लिबर्टी सिटी से गाड़ी फिलहाल के यहाँ पर आने में, मतलब आने जाने में टाइम नहीं लगता, उससे फिलहाल के लिए पैक करने में उसी के साथ ही नई गाड़ियाँ लाने में थोड़ा सा टाइम लग जाता है। तो फिलहाल इसे जल्दी जल्दी इसे मैं बाहर ही खड़ा कर दूँ, इसे अंदर लेकर नहीं जाऊँगा, तो फिलहाल इसे बाहर खड़ा कर देते हैं, उसी के साथ ही फिलहाल जल्दी जल्दी चलते हैं और एक बार मैं फिलहाल लिबर्टी वाले फ्रेंड को कॉल कर देता हूँ। और राइट गाइस, फिलहाल में लिबर्टी वाले फ्रेंड से बात हो चुकी है, जो लिबर्टी वाला फ्रेंड है ना वो कह रहा है फिलहाल के गाड़ी डिलीवर हो जाएंगी 1 से 2 दिन के अंदर। तो फिलहाल हम काफ़ी ज़्यादा टाइम लगा रहे थे, लेकिन फिलहाल वो कह रहा है काफ़ी जल्दी डिलीवर कर दूंगा और फिलहाल कोई भी नुकसान हो या फिर कोई भी खतरा हुआ ना फिलहाल उसका भुगतान तुम करोगे। मैंने कहा कोई दिक्कत नहीं है, हमारी तरफ से कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी और फिलहाल मैंने उन बंदों से भी बात कर ली है। तो अब जल्दी अपनी गाड़ी को भगाते हैं और चलते हैं फिलहाल बिग माफिया के बेटे से मिलने के लिए। उनसे मैंने फिलहाल मैंने बता दिया कि तुम फिलहाल जिसने तुम्हें धमकी दी ना उससे मैंने फिलहाल दोस्ती कर लिया, उनसे मैंने बातचीत कर लिया, तुम्हें कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी, अगर कोई भी प्रॉब्लम हुई ना तो फिलहाल जितना पैसा लगेगा ना मेरा लगेगा, तुम्हारा कोई भी कुछ भी नहीं जाएगा। तो फिलहाल कोई भी दिक्कत नहीं है, तुम जितना जल्दी हो ना गाड़ी डिलीवर कर दो बस। फिलहाल के गाड़ी डिलीवर होते ही हमारा जो शोरूम है दोबारा से स्टार्ट हो जाएगा और जितने ज़्यादा बंदे यहाँ पर घूमने के लिए आते हैं ना इनको भी गाड़ी मिल जाएगी। तो फिलहाल के यहाँ से जल्दी जल्दी अपनी गाड़ी को घुमा लेते हैं और फिलहाल के भाई साहब यहाँ पर शाम के टाइम पर और भी ज़्यादा ट्रैफिक मिलने वाला है, तो फिलहाल के जल्दी जल्दी भगाते हैं और चलते हैं हम यहाँ से जल्दी। और राइट गाइस, फिलहाल अपनी गाड़ी को भगाते भगाते हम पहुँचने वाले हैं बिग माफिया के मेंशन पर। फिलहाल वहाँ पर बिग माफिया बेटा मिलेगा उसी के साथ ही। फिलहाल के भाई साहब यहाँ पर गाड़ी है काफ़ी ज़्यादा स्पीड से चल रही है, हाईवे है ना इसलिए काफ़ी ज़्यादा स्पीड से चल रही है और हमारी जो गाड़ी है वो भी काफ़ी ज़्यादा स्पीड से चल रही है, लेकिन फिलहाल मैं थोड़ा सा कम स्पीड से चला रहा हूँ वरना ठूक सकती है। तो फिलहाल यहाँ पर 150-180 इजली मैं यहाँ पर करवा देता हूँ। उसी के साथ यहाँ पर जल्दी जल्दी घुमा लेते हैं, इनसे बातचीत करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, इनको पता चल गया कि माइकल अभी यहाँ से आना जाना लगा रहेगा। तो फिलहाल हम जल्दी जल्दी अंदर चलते हैं, उसी के साथ ही फिलहाल अपनी गाड़ी को ना मैं यहीं पर पार्क कर देता हूँ। तो फिलहाल यहीं पर पार्क कर रहे थे, कोई भी दिक्कत नहीं है, तो जल्दी जल्दी हम यहाँ से उतरते हैं उसी के साथ अंदर चलते हैं, जल्दी जल्दी अंदर चलते हैं उसी के साथ ही फिलहाल के बिग माफिया बेटे से बात कर लेंगे कि फिलहाल कितना ज़्यादा पैसा देने वाला है। अगर कैश दे देना काफ़ी ज़्यादा अच्छी बात है, अगर गोल्ड देगा ना उसे कन्वर्ट करवाने में काफ़ी ज़्यादा टाइम लग जाएगा, लिबर्टी सिटी ले जाना पड़ेगा उसे कन्वर्ट कराना पड़ेगा, उसके बाद हमें पैसे मिलेंगे। तो भाई साहब इसमें काफ़ी ज़्यादा टाइम लग जाएगा, लेकिन पैसे हमें काफ़ी ज़्यादा जल्दी चाहिए क्योंकि गाड़ियों की पेमेंट करनी है, गाड़ियों पेमेंट के लिए हमारे पास पैसे हैं क्योंकि शोरूम से काफ़ी ज़्यादा गाड़ियाँ बिक चुकी है, उनका पैसा मिल चुका है। उसी के साथ फिलहाल यहाँ पर आप देख सकते हो सामने तरफ कोई भी बंदा नहीं है, तो फिलहाल के यहाँ पर मुझे ढूंढना पड़ेगा यार। फिलहाल के जो लिबर्टी वाला फ्रेंड है ना उसको मैंने बोल दिया गाड़ी डिलीवर करने के लिए, और भाई साहब यहाँ पर बिग माफिया का बेटा है ही नहीं, तो उसे भी ढूंढना पड़ेगा कहाँ पर है भाई साहब, वो कहाँ पर छुपा हुआ है, कोई सिक्योरिटी गार्ड अंदर है नहीं जिससे मैं पूछ सकता हूँ। तो फिलहाल के मुझे जल्द भाई साहब यहाँ पर ओपन होगा, मैं बाहर क्या करने जाऊँगा, तो जल्दी जल्दी ऊपर चलते हैं, शायद वो ऊपरी तरफ हमें मिल सकता है अपने कमरे में, वहीं पर पैसे भी हमें दे सकता है। तो फिलहाल के जल्दी जल्दी ऊपर चलते हैं, ऊपर चलकर देखते हैं बिग माफिया बेटा है या फिर नहीं, अगर होगा ना तो पैसे देगा, अगर नहीं होगा तो फिलहाल बिग माफिया से हम बात करेंगे या फिर माफिया से बात कर लेंगे। तो भाई साहब यहाँ पर तो पूरा पूरा सेटअप बना रखा है इन लोगों ने फिलहाल म्यूज़िक के लिए, तो पता नहीं क्या करना चाहेंगे। यहाँ पर वॉशरूम है उसी के साथ ही, यहाँ पर मैंने कहा था ना ऑटोमेटिकली डोर है, तो फिलहाल यहाँ पर देख सकते हो ये भाई साहब यहाँ पर पैसा थोड़ा बहुत रखा हुआ है, उसी के साथ ही फिलहाल यही पैसा देंगे क्या हमें। तो फिलहाल के यहाँ पर थोड़ा बहुत उस तरफ भी रखा हुआ भाई साहब, तो फिलहाल के ये वाला पैसा नहीं देंगे शायद मुझे लगता है, क्योंकि फिलहाल के और भी ज़्यादा पैसा हमें दे सकते हैं। ये क्या भाई, इतने ज़्यादा गार्ड किसने मार रखे हैं, तो भाई साहब यहाँ पर पुलिस वाले ही गार्ड नहीं है, तो इतने ज़्यादा पुलिस वाले किसने मार रखे, शायद बिग माफिया ने, बिग माफिया के बेटे ने, मुझे नहीं पता किसने मार रखी है। तो भाई साहब यहाँ पर बिग माफिया बेटा नहीं, एक बार मैं बिग माफिया के बेटे को ढूंढता हूँ, कहीं वो लोग हमें स्कैम में ना फंसा दे कि भाई साहब पुलिस वाले को कॉल कर दे कि माइकल ने बंदों को मार दिया। तो फिलहाल के लिए भाई साहब मैं क्या करूँ, तो भाई साहब मैं जल्दी जल्दी एक बार चल कर अंदर रूम में चेक करता हूँ, तो फिलहाल के अपने वेपन से निकालो या फिर नहीं, तो फिलहाल ये नॉर्मल बंदे ही मार सकते, मतलब फिलहाल के जो पुलिस वाले ना वो नॉर्मल ही मार सकता, कोई दिक्कत नहीं है, वो फिलहाल के इजिली बच जाएगा, लेकिन फिलहाल अगर फंसाने के लिए मारे ना
उसमें थोड़ा सा हमें भाई साहब समझना पड़ेगा। देखते भाई साहब, अगर वो यहाँ पर मिला ना तो फिर आगे हम सेफ है, अगर वो यहाँ पर नहीं मिला ना तो भाई साहब ये मतलब मानो कि हमारे लग गए, तो भाई साहब क्या ही बताऊँ। तो यहाँ पर वो बंदा नहीं है, उसी के साथ ही फिलहाल जो सामने वाला कमरा ना बिग माफिया का, उसके अंदर चल कर देखते, वो बंदा यहाँ पर भी नहीं है। वहाँ पर एक गार्ड खड़ा हुआ है, उससे चल कर बात करते और देखते भाई साहब वो गार्ड क्या कहता है, एक बार मैं इससे बात कर लेता हूँ। सो गाइस, भाई साहब ये भाई साहब कह रहा है, ये तुम प्लान के अंदर फंस चुके हो, उसी के साथ जो बिग माफिया बेटा ना वो फला के तुम्हें पैसे देने के लिए बिल्कुल भी मूड में नहीं था, तो फला के उनको जल्दी जल्दी के गार्ड को मारते हैं। और भाई साहब ये कह रहा है थोड़ी देर के अंदर पुलिस आने ही वाली है, और भाई साहब इतने ज़्यादा गंदे स्कैम में नहीं फंसना था मुझे, मुझे लगता है फला के बिग माफिया को और माफिया के बारे में पता ही नहीं है, जो उसका बेटा ना वो हमारे साथ स्कैम कर गया क्योंकि उसको काफ़ी ज़्यादा हमने बुरी तरह टॉर्चर किया था। तो फला के जल्दी जल्दी नीचे चलते और नीचे वाले सिक्योरिटी को मारते हैं। फला यहाँ पर जो भी बंदे ना इतने ज़्यादा सिक्योरिटी नहीं है, लेकिन फला के हमें पुलिस के ट्रैप में फंसाने की कोशिश की है, तो यहाँ पर पुलिस किसी भी टाइम पर आने वाले, सिक्योरिटी भी काफ़ी ज़्यादा, मैं सिक्योरिटी सोच रहा था फला के काफ़ी ज़्यादा कम है लेकिन सिक्योरिटी भी यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा भाई साहब। तो भाई देखो कहाँ पर वो भाई साहब मर जा, तो ये मैंने काफ़ी ज़्यादा बंदों को मैंने यहाँ पर मार दिया, उसी से यहाँ पर मुझे लगता है और सिक्योरिटी नहीं है, तो फिलहाल यहाँ पर एक बंदा और है उसको मैंने मार दिया है। तो फिलहाल यहाँ पर पुलिस किसी टाइम आने वाली है, इन बंदों को निपटा कर है ना मुझे जल्दी जल्दी अपनी मस्टैंग जीटी को लेकर यहाँ से निकलना पड़ेगा। तो फिलहाल के भाई साहब बिग माफिया बेटे ने गलत काम किया, हम दोस्ती चाह रहे थे लेकिन फिलहाल के वो अपने बाप से अपने मतलब अंकल से अलग होकर फिलहाल के हमसे दुश्मनी कर बैठा। तो फिलहाल के वहाँ पर जितने बंदे उनको ठिकाने लगाते हैं उनको भी काफ़ी ज़्यादा बुरी तरह मारा है। वो बंदा अपनी दुश्मनी निकालने के लिए भाई साहब किस हद तक गिर गया वो मैंने कभी सोचा नहीं था। तो फला के भाई साहब गोलियां चल रही है, कहाँ से मार रहा है वो बंदा, तो भाई साहब मुझे दिखाई नहीं दे रहा, लेकिन छोड़ो पुलिस आने से पहले ना मुझे अपने मस्टैंग जीटी को लेकर यहाँ से निकलना पड़ेगा। तो फलाल के भाई साहब काफ़ी ज़्यादा दिक्कत हो सकती है, अपनी मस्टैंग जीटी के अंदर मैं बैठ चुका हूँ, फलाल भाई साहब यहाँ से जल्दी जल्दी घुमा लेते हैं, उससे साहब जल्दी जल्दी यहाँ से निकलते हैं। फलाल के पुलिस वालों के सायरन आ चुकी है और यहाँ पर मैं फंस चुका हूँ भाई साहब बुरे वाले, मुझे यहाँ से किसी भी हालत में ना गाड़ी भगानी है, जितनी स्पीड से हो सके यहाँ से निकालने। फिलहाल इस बंदे को मैंने टपका दिया है, फलाल के भाई साहब पुलिस वाले बुरी तरह पीछे लग चुके हैं, इतने ज़्यादा पुलिस वालों को यहाँ पर बुलाया गया पता नहीं किस कारण से बुलाया, और फिलहाल के सभी पुलिस वालों को मार दिया और फिलहाल के हमें बुला गया, और एक ट्रैप के मतलब फिलहाल के पूरा प्लान सेट किया फिलहाल के बिग माफिया बेटे ने, या फिर शायद इसके अंदर माफिया बिग माफिया मार्टिन मद्राजो भी है, वो मुझे पता लगाना पड़ेगा। तो फिलहाल के जहाँ तक है ना बिग माफिया और माफिया के बारे में मुझे लगता है नहीं पता होगा, फिलहाल के बिग माफिया बेटे ने सारा का सारा प्लान किया भाई साहब, गाड़ी ठुक गई और पुलिस वाले मानेंगे या फिर नहीं इसको जल्दी जल्दी मैं सबक सिखाता हूँ, तो भाई साहब ये ले आड़े मताओ भाई साहब मुझे भगाने अपनी गाड़ी, फिलहाल के भाई साहब पुलिस वालों को टक्कर मार के भाग गया वो बंदा। तो भाई साहब काफ़ी अच्छी बात हमारी हेल्प ही की है, तो जल्दी अपनी गाड़ी को भगाते हो भाई साहब, यहाँ पर देख रहे माहौल एकदम अलग हो गया है, एकदम चेंज हो गया भाई साहब, तू हटा ले यहाँ से। और राइट गाइस, फिलहाल के काफ़ी ज़्यादा देर हो चुकी है, अपनी गाड़ी को भगाते भगाते पुलिस वाले हटने का नाम बिल्कुल भी नहीं ले रहे हैं, उसी के साथ ही फिलहाल मुझे कोई ऐसी लोकेशन ढूंढनी पड़ेगी जहाँ पर मैं थोड़ी देर के लिए छुप सकूँ ताकि पुलिस वाले मुझे चेज ना कर पाए। उसी के साथ ही फिलहाल पहाड़ी पर जो मतलब ले जाना कोई एकदम बेवकूफ़ी है, पहाड़ी पर मैं कहीं पर भी नहीं छुपा सकता, तो फिलहाल के जल्दी जल्दी मैं इनको मारता हूँ और फिलहाल के भाई साहब तू हटा। उसी के साथ ही फिलहाल के यहाँ से भी नहीं जा सकते, तो कोई यहाँ पर रास्ता है ही नहीं जहाँ से फिलहाल के मैं अपनी गाड़ी को भगा सकूँ, या फिर गाड़ी छुपा सकूँ, या फिर मैं खुद छुप सकूँ। तो फिलहाल के भाई साहब क्या ही सकूँ भाई साहब, टक्कर गलत लग गई, और फिलहाल के मुझे लगता है मुझे थोड़ा सा इसके नीचे जाने का देखना चाहिए, कोई यहाँ पर टनल हो या फिर कोई छुपने के लिए काफ़ी ज़्यादा बड़ी झाड़ी हो उसके अंदर मैं छुप जाऊँगा। तो फिलहाल के भाई साहब पुलिस वाले बुरी तरह पीछे लग चुके हैं, तो भाई साहब देख सकते काफ़ी ज़्यादा गलत काम हुआ। अगर ये प्लान है सिर्फ बिग माफिया बेटे का हुआ ना तो फिलहाल उसको मैं काफ़ी ज़्यादा बुरे वाला मारने वाला, अगर सबका हुआ ना तो उनको मैं जान से मारने वाला हूँ। तो भाई सब जल्दी जल्दी अपनी गाड़ी को यहाँ से भगाते हैं, उसी के साथ ही फिलहाल आप देख सकते हो कितना ज़्यादा कचड़ा जगह है, अब गाड़ी चल भी नहीं पा रही। उसके साथ आपको वीडियो पसंद आना लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना और बेल आइकन दबा देना। बेल आइकन दबाने का बेनिफिट ये होगा कि अगली वीडियो का नोटिफिकेशन को मिल जाएगा। तो आज वीडियो नहीं, मिलते हैं किसी और वीडियो में।